ये देखिए आज मैंने मूंग दाल की इडली बनाई है, कितनी सॉफ्ट बनी है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी बनाई है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि मैंने ये मूंग दाल की इडली किस तरीके से बनाई है। तो मूंग दाल की इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रात को 1 कप के करीब मूंग दाल को भिगा दिया था। इसको मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगा के बना सकते हैं। ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी ही सोक हो जाती है। ये देखिए मैंने दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके लिए एक छोटा सा तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा तड़का पैन लिया है। ऑयल 1 TSP ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1/2 TSP मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी करी लीव्स। अब इस तड़के को हम इसमें जो हमने मूंग का दाल पीसा था इसमें डाल देंगे। 1/4 कर्ड, 1/2 बाउल ग्रेटेड कैरेट, 1 ग्रीन चिली। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 TSP सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जिंजर भूल गई थी तो मैं इसमें 1/2 TSP 1/4 TSP है जिंजर पेस्ट, वो मैं डाल दे रही हूँ। और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जिंजर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमें एटलीस्ट इसको 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम अपने सारे इडली स्टैंड को ग्रीस करेंगे ऑयल से। ये देखिए इस तरीके से हम अपने सारे इडली स्टैंड ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें 1 TSP बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे ये बेकिंग सोडा हमें तभी डालना है जब हमें हमने अपने इडली स्टैंड और इडली कुकर रेडी कर रखा हो। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इतनी अपनी इडली प्लेटों में डालेंगे। मैंने सारे इडली स्टैंड तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। सावधानी से, गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है। अब अपने गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको खोलेंगे। देखिए अब हम इडली को चेक कर लेंगे किसी फॉक से या नाइफ से। ये देखिए एकदम स्मूथ आ रहा है स्पून, डेट मीन्स ये इडली अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे स्टैंड को। अब हम सारे इडली स्टैंड अलग कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद हम चम्मच की मदद से इसको नीचे से यूं निकालेंगे। ये देखिए बनी है ना एकदम सॉफ्ट इडली। इस तरीके से सारी इडलियों को ट्रे में से अलग कर लेंगे।